नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके आई हूं नर्सिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूं कि जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, यानी कि जो सबसे कॉमन इंजेक्शन हैं, वो कौन कौन से होते हैं और किस नाम से आते हैं, एंड ब्रांड नेम क्या है और किस बीमारी में यूज करते हैं। तो जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, सारे अस्पतालों में ये इंजेक्शंस का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मैं सारे इंजेक्शंस के बारे में नहीं, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, मेरे अपने हैंडमेड नोट की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम इन इंजेक्शंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। ये हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज में आता है। मतलब मैं उन इंजेक्शंस की बात कर रही हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जो कुछ कॉमन इंजेक्शन होते हैं वो लगते ही लगते हैं और सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन क्या है? एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर है। ये दर्द में राहत देता है और इसका जो ब्रांड नेम है ये डायनापार के नाम से आता है। तो किस लिए दिया जाता है? जैसे हड्डियों में दर्द हो, बॉडी पेन हो, मसल्स का पेन हो, किडनी स्टोन पेन हो, यानी कि बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन हो, तो हम उसे इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक देते हैं ताकि दर्द में राहत मिल जाती है। इंजेक्शन को देखिए कि दिखने में कैसा होता है। ये एम्पुल में आता है और आपको इस तरह से दिखेगा मार्केट में खरीदने से, या आप केमिस्ट में लेने जाते हैं तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट इंजेक्शन है एंटी इमेटिक इंजेक्शन। एंटी इमेटिक इंजेक्शन किस लिए दिया जाता है? वोमिट के लिए। जिस पेशेंट को ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं उसको एंटी इमेटिक इंजेक्शंस दिया जाता है। वो किस नाम से आता है? डोमपीरिडोन, ओंडामिस्ट्रोन एंड मेटोक्लोप्रामिड। लेकिन सबसे ज़्यादा ओंडामिस्ट्रोन यूज करते हैं, जो कि उसका ब्रांड नेम इमसिट नाम से आपको केमिस्ट में मिलता है। ये इंजेक्शन इस तरह से आता है और ये एम्पुल में आता है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं ताकि आप पहचान जाएंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस, यानी कि एसिडिटी और जब गैस बनती है तो हम कौन सा इंजेक्शंस देते हैं? रेनिटिडीन एंड पेंटाप्रोजोल, जो कि रेनिटिडीन का जो ब्रांड नेम है वो रेंटेक नाम से मिलता है और पेंटाप्रोजोल है ये पेंटोसिट नाम से आता है। ये देखिए दोनों इंजेक्शन इस तरह से आते हैं। तो जो रेनिटिडीन इंजेक्शन है वो आपको एम्पुल में मिलेगा रेंटेक, एंड पेंटोसिड है वो वायल में पाउडर फॉर्म में आता है जिसको कि डिजोल्व करके लगाते हैं। और फिर दोबारा से मैं बता दे रही हूँ कि किस लिए लगाते हैं, जिसको एसिडिटी बन रही होती है यानी कि गैस की समस्या होती है गैस्ट्राइटिस की, उसको ये इंजेक्शंस देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन। तो ये ट्रेनेक्सा किस लिए दिया जाता है? ब्लीडिंग के लिए, यानी कि बॉडी में अगर ब्लीडिंग हो रही होती है तो हम उसे ट्रेनेक्समेटिक एसिड इंजेक्शन देते हैं, जो कि जिसका ब्रांड नेम है ट्रेनेक्सा, ट्रेनेक्सा नाम से आपको मिलेगा केमिस्ट में। और ये इस तरीके से इसका एम्पुल आता है, आप देख सकते हैं। और ये ब्लीडिंग के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, यानी कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद इंजेक्शन है। तो आप देख सकते हैं क्या नाम है, ट्रेनेक्सा नाम से आपको मिले। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका मैकोबालामिन। तो मैकोबालामिन इंजेक्शन जो है वो क्या है? विटामिन B12। जिस पेशेंट को विटामिन B12 की कमी होती है उस पेशेंट को हम मैकोबालामिन इंजेक्शंस देते हैं, जिसका ब्रांड नेम क्या है? न्यूरोकाइंड। न्यूरोकाइंड नाम से आपको ये इंजेक्शंस मिलेगा और इस तरीके से एम्पुल आएगा, आप देख सकते हैं। तो याद रखिए, मैं वो इंजेक्शंस के बारे में बात कर रही हूँ जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इंजेक्शंस होते हैं। तो ये इंजेक्शन हर हॉस्पिटल में
सबसे ज्यादा यूज में आते हैं? इंजेक्शन है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन कौन से आते हैं? तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो दिए जाते हैं इन्फेक्शन के लिए दिए जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो बिना एंटीबायोटिक के इन्फेक्शन सही नहीं होता, उसके लिए देते हैं जेंटामाइसिन, अमीकासीन एंड सेप्टाग्जोन। तो ये तो हम लगा देते हैं, और ये मतलब कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि जेंटामाइसिन एंड ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव, तो उसके लिए जेंटा देना कि अमीका देना है। और ये सेप्टाग्जोन है तो इसको पहले सबसे पहले देने से पहले हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई पेशेंट को परेशानी तो नहीं है। एलर्जी टेस्ट के बाद में हम देंगे, ये पाउडर फॉर्म में आता है। देखिए ये इस तरह से इंजेक्शन आता है, आप इसको देख लीजिए, वायल में आता है, पाउडर फॉर्म में होता है, तो ये आपको मिल जाएगा। कई सारे इसके ब्रांड होते हैं जैसे टैक्सिम, सेप्ट्रेक्सोन, बहुत सारे नाम से ये आपको मिल जाएगा। इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। तो यानी कि एलर्जी के लिए कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि फेनिरामीन, मेल्टेट एंड डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन। तो किसी भी प्रकार की बॉडी में एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए हम ये इंजेक्शंस देते हैं। जो फेनिरामीन होता है वो हमको ब्रांड नेम एविल के नाम से जानते हैं, और ये एविल नाम से आपको मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा एविल नाम से ही जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये हॉस्पिटल में यूज होने वाले इंजेक्शन। फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एंड आपकी नॉलेज लेवल बहुत इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा यूज कौन से इंजेक्शन्स होते हैं। तो इसी तरीके से मैं वीडियो लाती रहूँगी एंड आपका नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।